फाजिल्का के समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। शहर के व्यस्त मुख्य रोड पर लाइट की व्यवस्था कई महीनों से है बंद, घटनाओं के बावजूद प्रशासन सुस्त। अब खबर विस्तार से। फाजिल्का के बॉर्डर रोड पर स्थित तो जुडिशियल कोर्ट रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद होने से रात को यहां से गुजरने वाले राहगीरों के साथ कई बार छीना झपटी की घटनाएं हो चुकी हैं। बताया जाता है कि अंधेरे का फायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए असामाजिक तत्वों ने कई लोगों से मोबाइल व पर्स छीनने की घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस के झमेले से बचने के लिए अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई है। इस रोड पर रहने वालों ने इस बारे में प्रशासन को कई बार सूचित भी किया है। बॉर्डर रोड पर स्थित शहर के मुख्य SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अलावा सरकारी MR कॉलेज भी पड़ता है। इस रोड पर दुकानदारी करने वाले सुभाष ग्रोवर ने बताया कि पिछले 2 महीने से इस रोड की लाइटें बंद होने के कारण सांझ के समय यहां अंधेरा छा जाता है। इसके अलावा इसी सड़क पर बड़े बड़े सरकारी कार्यालय भी हैं जहाँ पर लोगों का दिन रात आना जाना रहता है। एक अन्य दुकानदार राजकुमार ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि अंधेरा होने के बावजूद उन्हें अपनी दुकानें जल्द बंद करनी पड़ती हैं। इसी रोड पर एक मल्टीपर्पज स्टेडियम होने के कारण खिलाड़ी व शाम को सैर के लिए निकले लोगों ने स्टेडियम में आना जाना लगभग बंद कर दिया है। लोगों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि इस रोड पर शिवपुरी जिला रेडक्रॉस सोसाइटी, पुलिस लाइन, जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स जैसे मुख्य स्थान हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। इस रोड पर सरकारी कार्यालय होने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसका नुकसान सैर करने आए व वहां पर आते जाते लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस मामले में जब नगर काउंसिल, PWD और PSPCL से जवाब मांगा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया तथा एक दूसरे पर छींटाकशी करते नजर आए। कितने दिन हो गए लाइटां जी रोड से बंद पई ने जी? इतने देखो जी, एक तो रेड क्रॉस का ऑफिस है, एक सैशन जज की कोर्ट है, एक पुलिस लाइन है, अगे थोड़ी दूर अगे जाके स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम MR कॉलेज है। आवाजाही काफ़ी है सड़क पर, लेडीज रात को या शाम के टाइम इतने सैर करने वास्ते निकलते हैं तो उन्होंने भी मतलब सेफ्टी पूरी नहीं हैगी, भी थोड़ा जहा नेरा पैन करके इन्हों डर रहा कि कोई ना कोई पिछों आके कोई झपटा मार के मेरा कोई मोबाइल वगैरह ना लै जाए, और ये हादसे हो भी चुके हैं। इतने ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ MR ਕੋਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਜੋ ਵੀ TV ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ? ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।